हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हूर ऑडियो टीवी, जहां आपको मिलती है पाकिस्तानी ड्रामास की लेटेस्ट अपडेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो टीवी पर आ रहे न्यू मिनी सीरीज़ के बारे में, जो कि मनजोगी के टाइम स्लॉट पर ही स्टार्ट होगी। तो क्या है इस सीरीज़ की अपडेट, जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बिलाल अब्बास और सबीना फ़ारूक की मिनी सीरीज़ मनजोगी का सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका है और इसका लास्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक अपलोड कर दिया जाएगा। और इस सीरीज़ की जगह पर जियो टीवी पर एक न्यू मिनी सीरीज़ आएगी जिसका नाम है नादान। इस मिनी सीरीज़ में रमशा खान के साथ अहमद अली अकबर नज़र आने वाले हैं। इसका टीज़र भी आ चुका है और इसका टीज़र काफ़ी बेहतरीन है। इस सीरीज़ में रमशा खान एक डॉक्टर का किरदार अदा कर रही हैं, साथ ही अहमद अली अकबर SHO हैदर का किरदार प्ले करते नज़र आएंगे। कहानी कुछ यूँ है कि एक पीर अपने मुरीदों को दवाई की जगह पर आयस देता है, जिससे कुछ मुरीदों की मौत हो जाती है, जिसके खिलाफ रमशा खान जो कि एक डॉक्टर हैं वो आवाज़ उठाती हैं और उनका साथ देते हैं SHO हैदर। आगे इसकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, ये तो सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। टीज़र से लग रहा है कि कुछ डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। बात करें मनजोगी सीरीज़ की, तो ये एक मिनी सीरीज़ रही जो कि एक मिनी सीरीज़ थी। इसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक को उठाया गया था। मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई, हालांकि बिलाल अब्बास के लास्ट प्रोजेक्ट इश्क मुर्शद ड्रामे की जितना ये सीरीज़ हिट नहीं हो पाई। तो आप अहमद अली अकबर और रमशा खान की इस सीरीज़ को देखेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।